हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमित कश्यप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एरे। अरेंजमेंट को हम एरे कहते हैं। तो अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है तो उसको हमें किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास तीन क्लास हैं, एक टेंथ, एक इलेवेंथ और एक ट्वेल्थ, ठीक है। अब इसमें एक बॉयज़ हैं और यहाँ पे गर्ल्स हैं। हम समझते हैं कि टेंथ क्लास में बॉयज़ जो हैं वो 40 है और गर्ल्स जो हैं वो 20 है। इलेवेंथ क्लास में बॉयज़ जो हैं वो 35 हैं और गर्ल्स जो हैं वो हैं 32। नेक्स्ट ट्वेल्थ क्लास में जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास 78 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 28 हैं। हालांकि इतने स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो ऐसा हो रहा है। अब होता क्या है, ये जो अरेंजमेंट है इसको जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, किस में शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, जब इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे लाइक 40, 35, 78, 20, 32 एंड 28, जब मैंने इसको एक ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया तो दैट इज अ मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ओके, अब इसमें जब आगे हम पढ़ेंगे तो जो मैंने अभी एक मैट्रिक्स बनाई थी दैट इज 40, 20, 35, 32, 78 एंड 28। ओके, तो इसमें जो ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रोज को। एंड ये जो शो करता है दैट इज शो कॉलम्स, ठीक है। ये हमारा रो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, कॉलम्स। तो इसमें कितने रो हैं, 1 एंड 2। रो कितने हैं, 2। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। कॉलम्स हमारे पास 3। इसी के आगे जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है m इंटू n, जहां पर m जो शो करता है वो रोज को करता है एंड n जो शो करता है वो कॉलम्स को करता है, ठीक है। तो जब हमने यहां देखा तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, 2 इंटू 3, बिकॉज इसमें रो कितने थे, 2, वेरी गुड। कॉलम्स कितने थे, 1, 2 एंड 3, वेरी गुड। तो दैट इज योर रो एंड दैट शो कॉलम। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो शो कर रहा है वो m इंटू n से कर रहा है, और जब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स शो करेगा वो भी m इंटू n करेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। अच्छा, जो हमारे पास इसमें रॉ थी वो थी हमारे पास 2, कॉलम थी वो कितनी थी, 3, तो 2, 3 जा 6, वेरी गुड। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ओके, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, A11, A12, A13, A1n, दैट शो कि यहां पे जो रो है वो सिर्फ 1 ही है, 1, 1, 1 एंड 1, बट जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दैट इज nth कॉलम। नेक्स्ट 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, n, रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth। अब यहां पे जब हम देखते हैं तो देखो, फर्स्ट जो है वो क्या शो कर रहा है, रो को, सेकंड जो है वो क्या शो कर रहा है, कॉलम्स को। तो
तो एक हमारा होता है ए आई जे, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को दिखाता है, जहां पे आई जो है वो रॉ शो करता है एंड जो जेथ है, आई जो है वो रो शो करता है एंड जेथ जो है वो कॉलम शो करता है। अगर मैं इसको आगे लिखते हैं, इसको जब मैं आगे करूंगा तो 3-1 3-2 3-3 3n, वेरी गुड। ऐसे ही ये कितने टाइम तक जाएगा, एन टाइम तक, बट ये जो कॉलम है वो फर्स्ट ही रहेगा, तो इसको फर्स्ट, इसको भी जब करेंगे तो am 3 am, अब इसको जब शो करेंगे देखो यहां पे आ रहा है तो हमें पता नहीं am है, ठीक है। तो ये जो m जो है ये इसका मतलब क्या है, हमारा ये रोज है, और जो n है वो क्या है, शो। बट जब इस एक एलिमेंट की बात करता हूं तो ये i और j को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो हम ये है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, वेरी गुड। अब मैं आपको पूछता हूं कि आपको बताना है ए टू वन एलिमेंट कौन सा होगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ए जो रो शो करता है वो क्या करता है, रो, तो कौन सी रो होनी चाहिए, सेकंड, वेरी गुड। आई जो शो करता है वो क्या करता है, सॉरी जे जो शो करता है वो शो करता है क्या, कॉलम, तो कॉलम कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट। तो ये जो क्रॉस कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये। तो हमारा जो ए टू वन एलिमेंट है वो है 4। ये आई जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को क्रिएट करता है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3, मतलब ये ऑर्डर है 2 by 3 ऑर्डर, बाय गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3 ऑर्डर बाय गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट्स आई ए जे आई ए आई ए इक्वल्स टू आई प्लस जे, ओके। तो हमें क्या बनाना है, 2 by 3, तो मैं 2 by 3 का इसका मतलब क्या है, मेरे पास रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, वेरी गुड। तो इसका मतलब a11 a12, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, 1 3, 2 1 2 2 और 2 3, 2 and 3, ओके। तो जब हम इसको देखते हैं, अब हम इसका क्रिएशन करते हैं, पहले मैं आई जे लेता हूँ, a11 आई कितना है 1, जे कितना है 1, कस टू 2, a12 1 + 2 इक्वल्स टू 3, a13 1 + 3 इक्वल्स टू 4, a21 2 + 1 इक्वल्स टू 3, a22 2 + 2 इक्वल्स टू 4, a23 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो जब हमारी इसकी मैट्रिक्स की क्रिएशन होगी, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो जब हम इसको मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके एलिमेंट को शो करते हैं 2, 3 and 4, 3, 4 and 5, ये हमारा एक एलिमेंट मैट्रिक्स बन गई हमारा, ठीक है। इसके आगे कुछ आगे सीखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जब हम सबसे पहले सीखते हैं, वो हम सीखते हैं पहला रॉ मैट्रिक्स होता क्या है। रॉ से मतलब पता चल रहा है कि इसके अंदर जो रॉ होगी, स्पेसिफाई रॉ के लिए है, तो इसके अंदर जो रॉ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 1, मतलब मैं इसको लूँ 1, 2, 3, 4, ये हमारा
एन टर्म्स तक बढ़ता रहेगा। इसमें जो रॉ है वो सिर्फ एक है और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तक है, एन टर्म्स तक। ऐसे ही जब मैं सेकंड यूज करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, सेम एज इसमें रॉ एक था तो इसमें क्या होगा, वेरी गुड, कॉलम एक होगा, ये एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारे पास एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सेम एज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊंगा क्या होता है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स को बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जहां पे हमारा रॉ इक्वल होता है किसके, कॉलम्स के, मतलब रॉ जो हो वो इक्वल हो किसके, कॉलम्स के, तो ये क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3x3, 2x2, 4x4, 1x1, ऑल्सो एक बना के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इसमें हम देखेंगे कि रॉ जो है 1, 2 and 3, कॉलम जो है 1, 2 and 3, बट इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बट कई कुछ बोलते हैं कि जब m और n इक्वल ना हो, तो जब m और n इक्वल नहीं होंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पहले हम इधर आते हैं। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हमें ये तो पता चल गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके मतलब रॉ और कॉलम जो होंगे उसमें इक्वल होंगे। तो लेकिन रियल में डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? रियल में जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जहां पे हमारा आई और जे इक्वल होगा, जहां पर भी हमारा आई और जे इक्वल होगा, वहां पे कोई ना कोई एक वैल्यू गिवन होगी, कोई भी एक वैल्यू, एनी। ओके, अब कई लोग बोलते हैं कि सर डायगोनल तो कुछ और ही होता था, हमने पहले कुछ और पढ़ा था, तो आपके हिसाब से पढ़ लेते हैं। डायगोनल का मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जब हम डायगोनल्स देखते हैं तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स, ठीक है। बट इन मैट्रिक्स केस में क्या होता है, जहां पे आई और जे इक्वल होंगे, मतलब यहां पर और यहां पर, जैसा हमने पीछे देखा था, यहां आई जे रॉ और कॉलम इक्वल है, यहां रॉ और कॉलम इक्वल है, यहां भी रॉ और कॉलम इक्वल है, तो जहां रॉ और कॉलम इक्वल होंगे वहां पे एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट जहां आई और जे इक्वल नहीं होंगे वहां पर हमारी वैल्यू जीरो शो करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2000050003। अब आप जब देखेंगे तो डायगोनल इन मैट्रिक्स क्या होता है कि जहां भी हमारे आई जे इक्वल है वहां पे कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जहां पर हमारे आई और जे इक्वल नहीं है वहां पे क्या आ रहा है, 000 and 000। ओके, इसी के सिमिलर एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स सीखा था, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम अगला जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। सेम एज स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इसमें जो रो होंगे वो इक्वल होंगे किसके, कॉलम्स के, वेरी गुड। तो अब जब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के, वहाँ पे हमने देखा था जहाँ आई और जे इक्वल होंगे वहाँ पे कोई भी एक एनी वैल्यू आएगी, एनी वैल्यू। बट जहाँ स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आई और जे जहाँ इक्वल होंगे वहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफाई वैल्यू आएगी, जो एक में होगा वही तीनों में होगा। जैसे यहाँ हमारा A11, यहाँ A22 और यहाँ 233 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, 2 और 2, मतलब कोई भी एक सिंगुलर वैल्यू, डजंट मीन ये 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, और बाकी जहाँ पे I और J डज नॉट इक्वल टू होते हैं सेम एज डायगोनल मैट्रिक्स, तो वहाँ वैल्यू आती है क्या, जीरो के, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो, 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 ठीक है। तो सभी हीरोज याद रखें,
कि जहां आई और जे इक्वल होगा वहां पे एक स्पेसिफाई वैल्यू होगी, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जहां पे आई और जे इक्वल नहीं होगा, सेम एज डायगोनल मैट्रिक्स, वहां पे जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगला देख लेते हैं। फिर एक आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी है डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हमें पहले ही पता चला आइडेंटिटी किसी एक की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे आई और जे इक्वल होंगे तो हमारी उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज वन रहेगा, चाहे वो ऑर्डर 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे 4x4 हो। बट जहाँ पे आई और जे डज नॉट इक्वल टू, एज यूजुअल हम पुट करेंगे जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब ये आई 2x2 भी हो सकता है, आई 3x3 भी हो सकता है, ठीक है, आई 4x4 भी हो सकता है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे को आई 2x2 बनाना है, तो 1 0 0 1। अगर मेरे को आई 3x3 बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जहाँ पे इक्वल था वहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आई है, जहाँ पे इक्वल नहीं था वहाँ पे हमने वैल्यू 0 पुट करी है। अब मैट्रिक्स का सबसे कठिन मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है, इसको भी याद रखना। ये भूल गए ना तो बहुत लॉस हो जाएगा। ओके, 6, इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। हार्ड तो नहीं लग रहा? नल मैट्रिक्स होता क्या है? जहाँ पे आई और जे इक्वल होंगे वहाँ भी, जहाँ नहीं इक्वल होंगे वहाँ भी जीरो, और आई और जे जहाँ इक्वल होंगे वहाँ भी जीरो। नल का मतलब ही एम्प्टी मैट्रिक्स। इट्स मीन इट शो बाय ओ, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो। लगा तो नहीं हार्ड? हार्ड था, झूठ बोलते हो। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद एक हमारा एक और है जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है। ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें दो होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगल, एक होता है लोअर ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अपर वाले की। अपर ट्राइंगल में क्या होता है पहले वो देखते हैं। अपर ट्राइंगल में आई और जे, जहां आई हमारा किसके बड़ा हो? जे के, उसकी वैल्यू ऑलवेज होती है क्या? जीरो। जहां पे आईथ रॉ जो है वो जेथ रॉ से बड़ा हो। एक मैं पहले एग्जांपल के मैट्रिक्स बना लेता हूं, a11 a12 a13 a22 सॉरी a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो हमने क्या बोला? जहाँ पे i क्या बड़ा होगा किससे? मोर देन होगा j के। क्या यहाँ बड़ा है? नहीं है। तो बड़ा कहाँ है? यहाँ पे i बड़ा है इसके, तो एक ये हो गया। यहाँ पे i बड़ा है इसके, यहाँ भी बड़ा है, तो इन तीनों पे क्या आ जाएगा हमारा? ज़ीरो। और बाकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो यहाँ जो ये बन रहा है वो क्या बन रहा है? मेरा अपर ट्राइंगल, ठीक है। इसी के से एज इट इज मैंने आपको बताया था क्या एक लोअर ट्राइंगल होता है। लोअर ट्राइंगल में क्या कंडीशन है? लोअर ट्राइंगल में जहाँ पे आई जो है वो लेस देन होता है किसके? जे के। आई लेस देन जे जहाँ होगा वहाँ वैल्यू आएगी क्या? जीरो। और जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने ब्लैक से किया है, यहाँ पे आई जो है वो लेस देन है जे से, आई लेस देन है जे से, आई लेस देन है जे से। तो इसकी जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 0 0 3 4 0
फाइव सिक्स सेवन, ये जो बना मेरा वो क्या बना, लोअर ट्रायंगल। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, दो होते हैं, एक लोअर ट्रायंगल एक अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल में आई कैपिटल मोर देन होता है जे के, तो जहाँ जे जीरो होगा वहाँ जीरो हो जाएगा, कैपिटल मोर देन होगा तो वहाँ जीरो, और लेस लोअर वाले में क्या होता है जहाँ आई लेस देन होगा जे के वहाँ आएगी हमारी वैल्यू जीरो। ओके, इसके आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट इक्वल मैट्रिक्स, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी आएगा, तो आप लोग सीखें सही से। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें एक जो ध्यान रखने की है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम, जो ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें रॉ तीन है तो उसमें भी तीन ही होना चाहिए। सेकंड इसमें एक कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हो तो रॉ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स या रॉ ऑफ वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू कॉलम ऑफ अदर मैट्रिक्स और वाइस वर्सा। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि इक्वल मैट्रिक्स मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है और ये दूसरी मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो दूसरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 3, 5 ए की जगह में कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, बी की जगह भी मैंने कोई वैल्यू रखी, 7 और 6। अब वो आपसे पूछेगा कि अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ए और बी की वैल्यू बताइए, तो इतने तो होशियार हमें कि ए जो इक्वल होगा वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा और बी जो इक्वल होगा वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ए आपका 6 आ गया और बी आपका 7 आ गया। ठीक है, ओके, इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो मैं एक बार छोटा सा बताता हूँ, जल्दी से फिनिश करते हैं। फिर एक मैट्रिक्स ली मैंने एक्स प्लस वाई 7, 3, -2 इज इक्वल्स टू 10, 7, x-2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है छोटा सा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आपको फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे जब एलिमेंट्स को इक्वल देखते हैं तो x और y किसके इक्वल हैं, 10 के। ओके, टैलेंटेड होशियार तो हैं आप लोग, x और y जो है वो किसके इक्वल है, 10 के, 7, 7 हो गया। 3 जो है वो किसके इक्वल शो कर रहा है, x के, मतलब एक क्लू तो हमें यही मिल गया कि x कितना है, 3। जब x 3 है तो y कितना होगा, 3 + 10 y = 10 और y इक्वल्स टू कितना, 10 - 3 y = 7। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस पर और भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके आगे जो हम मैट्रिक्स का चैप्टर है वो फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी, जो कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए।